अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म व्यूअर्स, आज हम PS5 6.0 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के लेसन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों को इससे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि आप लोगों के लिए मेरी लेक्चर्स कितने हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रोटेराइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, यानी कि यूट्रस के अंदर माँ के रहम में पेट के अंदर दिमाग की डेवलपमेंट, इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। इस दौरान बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। प्लेसेंटा का जो चैम्बर होता है इसमें एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे है टेराटोलॉजी स्टडीज़, यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस विच अफेक्ट नॉर्मल डिवेलपमेंट इज नॉन एज टेराटोलॉजी, यानी कि वो स्टडीज़ जिसके अंदर हम उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। टेराटोलॉजी स्टडी के नतीजे में जो डिसफंक्शंस होते हैं उसके अंदर, यहाँ पे लैक ऑफ ब्रेन है, क्लेफ्ट प्लेट है, सी लाइक फ्लिपर्स और उसके अलावा रिवर्सल और एम्बिग्यूटी ऑफ सेक्स शामिल हैं। डिवेलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में बर्थ के बाद वाला माहौल भी बहुत अहम है, लेकिन बर्थ से पहले वाले एनवायरनमेंट की अपनी अहमियत है और इसका नर्वस सिस्टम पर अपना असर होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस, कह रहे हैं कि जब एम्ब्रियो जो है यूरेट्राइन वाल्स के साथ आकर लगता है तो जर्मिनल सेल्स की 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि सेम लेवल पर डिवेल्प करती हैं। स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट, हम मुख्तलिफ फिलासफर्स के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हैं अरिस्टोटल, इन्होंने कहा था कि जो जाइगोट है ये एक मिनी इंडिविजुअल होता है जो कि ग्रो करता है फ्रॉम एग इनटू शेप एंड फॉर्म अ एनिमल, एग से एक शेप में ग्रो करता है और एनिमल की शक्ल बना देता है। इन्होंने मुर्गी के दिमाग को स्टडी किया था। वैन बार, इन्होंने कहा था कि यंग स्टेजेस ऑफ एनिमल हायर एनिमल रिजेंबल यंग स्टेजेस ऑफ लोअर एनिमल, यानी कि हायर और लोअर एनिमल जो हैं उनकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो एक जैसी होती हैं। दैट इज़ टू से दैट ऑल एम्ब्रियो हैव द सेम शेप एंड फॉर्म, जो एम्ब्रियो होते हैं तमाम जानदारों के अंदर वो सेम होते हैं, उनकी शेप जो है वो सेम होती है। इंसान के एम्ब्रियो शुरू में दूसरे जानदारों के एम्ब्रियो जैसा ही होता है, बाद में वो डिवेल्प होकर इंसानी एम्ब्रियो की शेप इख्तियार करता है। अनस्टेकल ने भी तकरीबन इसी तरह का सेम ही इन कंसेप्ट दिया था। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसको ओंटोजेनी रिसेपिटुलेट्स फाइलोजेनी का नाम दिया गया है, यानी कि इन्होंने भी सेम बात की कि इंसान का जो एम्ब्रियो है शुरू में दूसरे जानदारों के एम्ब्रियो जैसा ही होता है, लेकिन बाद में वो डिवेल्प होता है और एक ह्यूमन एम्ब्रियो की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमारे पास आते हैं कंसेप्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स और ब्रेन, एम्ब्रियोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उनको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इंडक्शन होगी, न्यूरोरिलेशन हो गई, वेसिकल फॉर्मेशन एंड न्यूरल प्रोलीफरेशन हो गई, इन सबको वन बाय वन हम देखेंगे अभी। हिस्टोजेनेसिस, वो अमल जिसमें न्यूरॉन्स स्पेसिफाइड होते हैं और अपने रिलेटेड लोकेशन पर पहुँच जाते हैं हिस्टोजेनेसिस कहलाता है। इसके अंदर सेलुलर डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन, सेलुलर मैच्योरेशन, सेल माइग्रेशन, सेल एग्रीगेशन और सेल कंपटीशन, सेल डेथ, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी बुक पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा आगे वो मैं आप साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। ग्रोथ में कह रहा है कि एक्सोन ग्रोथ एंड साइनेप्स फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। डिफरेंशिएशन एंड इंडक्शन, अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन और इंडक्शन क्या है। डेवलपमेंट का वो अमल जो एम्ब्रियोनिक सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें डेवलपमेंट का वो अमल जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनमें मुख्तलिफ टिशू बनने का अमल शुरू हो जाता है, इस अमल को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और वो अमल जिसमें एक टिशू दूसरे टिशू के डिवेलपमेंट पर असरअंदाज होता है उस अमल को इंडक्शन कहते हैं। ये इंडक्शन भी हो गया। नोटोकॉर्ड इंड्यूसेस एक्टोडर्मल टू बिकम न्यूरोडर्मल,
नोटोकॉर्ड एक तरह का सिग्नल होता है जो कि एक्टोडर्मल टिश्यू को मिलता है, जिसके बाद वो डिफरेंशिएशन का अमल शुरू कर देते हैं ताकि नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यूज़ के बनने का अमल शुरू हो सके। नोटोकॉर्ड बहुत अहम है, इसके बगैर एक्टोडर्मल टिश्यूज़ डेवलपमेंट शुरू नहीं करते। ये था आपका लेसन व्यूअर्स, आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।